गुड मॉर्निंग इंडिया, बस 3 मिनट रही है आप फास्ट 15 के साथ, आपको देगी ये पूरे दिन की जानकारी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राज्य में देश नायक दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हमने आज़ादी के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया है। मैंने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए केंद्र को पत्र लिखा है। सीएम ममता बनर्जी ने कोविड महामारी के बीच गंगा सागर मेला आयोजन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रशासन को कहा है मेला प्रांगण में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन हो, हर तीर्थयात्री को एंटीजन टेस्ट कराया जाए। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सिकंदरा राव कासगंज रोड पर बड़ा हादसा हो गया। राजस्थान के अलवर से सोरो गंगा स्नान के लिए जा रहे यात्रियों की बुलेरो गाड़ी पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 4 लोग घायल हैं, इन्हें अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने बताया है कि 9 मार्च से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा शुरू होगी। JAC की तरफ से बताया गया है कि दोनों परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू होकर 26 मार्च तक चलेंगी। ताजमहल परिसर में एक बार फिर भगवा झंडा लहराए जाने का मामला सामने आया है। हिंदूवादी नेता परिसर में पहुंचे और ताजमहल के सामने बेंच पर बैठकर भगवा झंडा लहराया। इस दौरान जय श्री राम के जयकारे भी लगाए और शिव चालीसा भी पढ़ी गई। पुलिस ने हिंदूवादी नेताओं के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और उन्माद भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया है। हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पड़ोसी राज्य के मामले को देखते हुए उत्तराखंड में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसके साथ साथ हिमाचल सीमा से लगते हुए आसान बैरज पर भी विशेष निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया गया है। लद्दाख के 2/3 पेगोंग लेक पर चीन ने कब्जा कर लिया है। अब भारत ने सीमा पर अपनी गश्ती बढ़ाने के लिए हाई स्पीड बोट खरीदने का फैसला किया है। इंडियन आर्मी की तरफ से बताया गया है कि उन्हें गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद अब जल्द ही आर्मी के पास 12 हाई स्पीड बोट मिलेंगे। गाजियाबाद के मुरादानगर शमशान घाट हादसे पर CM योगी ने सख्त कार्रवाई की है। CM योगी ने घटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ NSA लगाने का आदेश जारी किया है। साथ ही पूरे नुकसान की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को हरी झंडी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत संसद की नई इमारत समेत कई सरकारी दफ्तरों का निर्माण हो रहा है। टीम इंडिया को बड़ा झटका, भारतीय बल्लेबाज KL राहुल मेलबर्न में अभ्यास के दौरान कलाई में चोट लगने के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी बचे 2 टेस्ट मैचों से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की पूर्वी कप्तान सना मीर यहां खेले जा रहे कायदे आजम ट्रॉफी के फाइनल मैच के दौरान टेलीविजन के लिए कमेंट्री करते समय कोविड-19 जांच में पॉजिटिव मिली है। सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें कमेंट्री टीम से हटा दिया गया है और वो क्वारंटाइन में है। कमेंट्री पैनल के अन्य सदस्यों ने भी कराची में कोविड-19 जांच कराई, क्योंकि वे मीर के संपर्क में थे। बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान, सोहेल खान और उनके बेटे निर्वाण खान के खिलाफ BMC ने FIR दर्ज करवाई है। इन लोगों ने मुंबई एयरपोर्ट पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन के बाद तीनों को मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल में क्वारंटाइन कर दिया गया। मणिपुर सरकार ने रेप और मर्डर केस के आरोप मुक्त हुए एक शख्स को सरकारी नौकरी का ऑफर दिया है। जानकारी के मुताबिक शख्स को साल 2013 में रिसर्च स्टूडेंट के रेप और हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने उसका घर भी जला दिया। न्याय प्रक्रिया में देरी के कारण शख्स को 8 साल जेल में गुजारना पड़ा। हालांकि सोमवार को कोर्ट ने उसे निर्दोष करार दिया है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खतरे के बीच ब्रिटेन में AstraZeneca वैक्सीन के साथ टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है और दुनिया में पहला टीका ऑक्सफोर्ड के जन्मे 82 वर्षीय ब्रायन पिंकर को दिया गया है, जिनकी किडनी के रोग के चलते डायलिसिस की जा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक बड़ा ऐलान किया है। ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन ने कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन को तेजी से बढ़ते हुए देख देश में फिर से लॉकडाउन का ऐलान किया है। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए कम से कम फरवरी के मध्य तक नया नेशनल लॉकडाउन लगाया जाए।
ताकि नए स्ट्रेन को रोका जा सके। आज के लिए बस इतना ही, कल के पूरे दिन की न्यूज लेके आएगी आपके सामने फास्ट 15। इस चैनल के सभी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन पाने के लिए राइट में बेल बटन को दबाना न भूलें।